यदि ये बात मैं कह रहा हूं तो हे प्रभु मैं घी की मक्खी बन जाऊं, हुए हो माखी घी की, मैं घी की मक्खी बन जाऊं। घी की मक्खी हाँ वो निकालते नहीं, उसमें पड़ के भी मर जाती है, एक क्षण में ही मर जाती घी में मक्खी, और बाहर निकालने पे तो मरना है ही उसको। माने मक्खी का घी में गिरना उसके सर्वनाश के लिए ही है। जैसी मक्खी घी में पड़ी हुई मक्खी का सर्वनाश हो जाता है, यदि मैं कपट रख रहा हूं तो मेरा सर्वनाश हो जाए। हे नाथ एकमात्र आप ही मेरे हो। भगवान यही चाहते हैं कि जीव हृदय से स्वीकार करे कि एकमात्र आप ही मेरे हो और मैं केवल आपका ही हूँ, ऐसा हृदय से स्वीकार करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी देर करना है बता देना। ठीक है जी। हाँ आगे 264वां पद है, बहुत प्यारी बात है। मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, चारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक मा, चारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक मा, तेरो तिहू काल कहू कोहे ही तू हरी सो, तो तिहू काल कहू कोहे ही तू हरी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, नए नए नेह अनुभय देह गेह वैसे, नए नए अनुभय देह गे वैसी, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी सो, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी, सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत, सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत, जब जाको काज तब मिले परी पाए सो, जब जाको काज तब मिले परी पाए सो, मेरो मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी, विबुध सयाने पहचान के धो नाहिनी के, विबुध पहचान के धो नाहिनी के, देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी सो, देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी, करम धर्म श्रम फल रघुवर बिनु, करम धर्म श्रम फल रघुवर, राख कौसो होम राख कौसो होम है उसर कैसो बरी सो, राख को सो होम है उसर कैसो बरी सो, मेरो कहो
सुनि पुनि भावे तो ही करी सो मेरो कहो सुनि पुनि भावे। आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, जा को जस लोक वेद रहयो है बगरी सो, सीता पति सारी खोना साहिब सील निधान, सीता पति सारी खोना साहिब सील निधान, कैसे कल परे सठ बैठो सो बिसारी सो, सठ बैठो सो बिसारी सो, जीव को जीवन प्राण प्राण को परम हित, जीव को जीवन प्राण प्राण को प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरी सो, प्रीतम पुनीत कृत तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालू, तुलसी तो को कृपालु जो कियो को चित्रकूट को चरित्र चेतुचित करी सो, चित्रकूट को चरित्र चेतुचित करी सो, मेरो कहो सुनि पुनि भावे तो ही करी सो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। बड़ा प्यारा पद है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, यहाँ गोस्वामी जी अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, अरे मेरे मन मेरो कहो सुनी, तू पहले मेरा कहा ध्यान से सुन ले। ध्यान में ही बात, आरंभ से लेके अब तक हमने जो कुछ कहा है उसको तूने सुना है और सुन ले, सुन तो लिया ही है, अब सुनने के बाद भावे तो ही करी सो। अब तुझे जो अच्छा लगे वो तुम करो। हमको जो बात कहनी थी, ध्यान दो, हमको जो बात कहनी थी, जो बात समझानी थी, वह बात हमने आपको कह दी, समझा दी, सुना दी। अब इसके बाद ये तो आपका निर्णय है ना कि आप क्या करेंगे। हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई, हमको जो सही बात उचित बात कहनी थी समझानी थी वो हमने समझा दी। अब इसको मानो या न मानो ये तुम्हारे ऊपर है। गुरुजी अपने शिष्य को उसके कल्याण की बात ठीक से समझा दें और समझने समझाने के बाद वही वो न करे तो जिम्मेवारी किसकी है। अब तो कई बार बड़ी व्यस्तता हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कथा सुनो, कथा में सब बात आ जाएगी। नहीं, पहले कई बार ऐसा होता था कि कोई शरणागति ग्रहण करने आता था
तो कम से कम एक घंटा हम उसको सुनाते थे, तब उसकी शरणागति होती थी, प्राय ऐसा होता था। हैं, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? एक घंटा सुनाते तब। तो हमारे साथ कई लोग रहते, वो कहते कि अब हमने तो सब कर दिया, फिर भी आप सुनाने लग गए, आप इतना क्यों सुनाते? हमारे निकट वाले लोग कई बार कहते कि आप, अब फिर मान लो दिन में दो तीन लोग आ गए तो एक सप्ताह का था उनके लिए हो गए। इसलिए अब कुछ समय से ये नियम किया कि भाई एकादशी को शरणागति होगी, बहुत समय चला जाता उसमें। तो कहते कि आप इतना क्यों कहते हो, तो हम यही बात कहते कि यदि हम न कहें कहने वाली बात तो भार हमारे ऊपर रह जाएगा। तो हमने कह दिया, अब हमारे कहे अनुसार तुम चलते हो, मानते हो तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं होगा तो हमारे ऊपर तुम्हारी कोई जिम्मेवारी। हम अपने मुक्त हो गए, अपने भार से मुक्त हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है कि भागवत धर्म की शिक्षा अपने निकट रख करके देनी चाहिए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। इसलिए आजकल जो चल पड़ी ना परंपरा, तुरंत कहीं श्रद्धा जमी वहीं तुरंत फट से दीक्षा ले, ऐसा नहीं है। जैसे आप पहले कहीं किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पहले आप उनके सत्संग रूपी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कीजिए, उसके अनुकूल पहले जीवन बनाइए, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। एक फौज के अधिकारी आए, मिलिट्री के फौज के अधिकारी, इधर नागालैंड तरफ उनकी ड्यूटी है, संवेदनशील क्षेत्र में। तो उन्होंने अपनी गृहिणी को भेजा शरणागति के लिए और स्वयं कहा कि मैं इसमें बहुत व्यस्त हूँ, दर्शन करने आऊँगा, पत्र भी लिख करके भेजा। तो उन्होंने कहा कि मेरी गृहिणी ने आपके वाणी को सुन सुन करके अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। अब ये नियम केवल उसने श्रवण करके धारण कर लिए हैं। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसे सुंदर नियम की शायद महात्माओं में भी इतने सुंदर नियम लोग धारण नहीं कर पाते, ऐसे नियम उसने धारण कर लिए। तो भूमिका तो बनी बनाई तैयार हो गई कि नहीं? कैसे तैयार हुई? जिस व्यक्ति ने देखा तक नहीं, केवल श्रद्धा पूर्वक सुना, तो सुनते सुनते उसकी भूमिका निर्मित हो गई। और उसने लिखा था कि मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश, मैं निरंतर नाम जप करता हूँ, नित्य सत्संग श्रवण करता हूँ, पर हमें कई बार अपने से जो बड़े शीर्षस्थ अधिकारी हैं या उनके साथ बैठ करके हमको चाय पीनी पड़ती है। मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उसी मैस का कई बार कुछ बना हुआ भी हमको शाकाहारी चीज़ लेनी पड़ती है, वो हमारी अपनी कमी है। तो जब मैं इन दोषों को भी अपने मिटा दूंगा, तो फिर मैं भी आपकी शरण भगवान की शरणागति आपके माध्यम से स्वीकार करूंगा। तब तक मैंने ये नियम कर रहा हूँ, विनय पत्रिका भी कर रहा हूँ। मन में कितनी प्रसन्नता होती है। ईमानदारी से जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहेगा वो सब जगह परिवर्तन हो जाए, नहीं चाहेगा उसका कहीं परिवर्तन नहीं होगा। तो
तो जो हमें तुम्हें समझाना चाहिए था वो हमने तुमको बढ़िया से समझा दिया, अब तुम्हारा जो मन आवे सो तुम करो। अरे मन, हमने तुमको जो अच्छी से अच्छी बात थी वो तुमको बता दी, अब मानना न मानना तेरे ऊपर है। मानेगा तो तेरी भलाई होगी, न मानेगा तो तेरी हानि होगी। आहा, कितनी सुंदर बात है। वो कहते हैं, चारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक मह। दो आंख से नहीं, तू चारों आंखों से देख, तीनों लोकों में और तीनों कालों में। तीनों लोक माने नीचे के सात लोक, ऊपर के सात लोक और ये भूलोक, माने पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी। ये तीनों लोक माने पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवन कोश ब्रह्मांड को तीन लोक कहा जाता है। इन तीनों लोकों में और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, भगवान के जैसा हितैषी जीव का कोई दूसरा है क्या? ना तो तीनों लोकों में भगवान के जैसा कोई हितैषी है और ना ही तीनों कालों में भगवान के जैसा कोई हितैषी है। भगवान के जैसे हितैषी तो भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। दो आंख से तो कम पड़ जाएगा, चार आंखों से देख ले। चार आंख कौन कौन है? सबके पास चार आंखें हैं। कौन है चार आंख बताओ? अरे नहीं नहीं दो आंख तो बाहर की हैं और दो आंख भीतर की हैं। लोग कहते हैं, अरे भैया तेरी हिये क्यों फूट गई? का कहावत में कहते हैं ना, बाहर की फूट गई थी, हिये की भी फूट गई क्या? भीतर की आंख फूट गई क्या? अब देखो, जो सूरदास होते हैं, अंधे होते हैं, जन्मांध होते हैं, उनकी बाहर की आंख तो नहीं है, पर भीतर की आंख है कि नहीं? भीतर की आंख है, इसलिए वे बड़े बुद्धिमान, बड़े विवेकी होते हैं। भीतर की आंख से देख समझ लेते हैं वो। तो बाहर की आंख तो ये है, भीतर की आंख है मन बुद्धि। बुद्धि रूपी नेत्रों से भी, हिये की आंखों से भी, अंतकरण की आंखों से भी विचार करके तू देख ले, तीनों लोकों में तीनों कालों में भगवान के जैसा तेरा कोई हितैषी नहीं है। नए नए नेह अनुभय देह गेह वैसे परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी सो सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत जब जाको काज तब मिले परी पाए सो मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गे वसी। देखो ये घर घर नहीं है, जहां हम लोग रह रहे हैं ये घर घर नहीं है। घर तो ये है, शरीर ही घर है और उसमें जीवात्मा निवास करता है। देह रूपी भवन में जीवात्मा निवास करता है। तो इस जीवात्मा को कितने घरों में रहना पड़ा? लाखों घरों में रहना पड़ा कि नहीं? तो नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी,
इस शरीर रूपी घरों में रह करके नए नए अनुभव तुमको हुए। सुअर के शरीर में भी रहे, कुत्ता के शरीर में भी रहे, गधा के शरीर में भी रहे, घोड़ा के शरीर में भी रहे, मक्खी मच्छर के शरीर में भी रहे, देवता के शरीर में भी रहे, दैत्य के शरीर में भी रहे, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष के भी देह में रहे। क्या नहीं बना, सब कुछ बना। और जहां गया वहां कुछ ना कुछ अनुभव ही किया। देखो हमारी समझ में आ रहा है कि हम कौन कौन से शरीरों में गए, हमने किन किन शरीरों में क्या क्या अनुभव किया। आ रहा है हमारी तुम्हारी समझ में, क्यों नहीं आ रहा है? सेठ श्री जयदयाल गोयंदका काजी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। उनके एक मित्र भी थे और उनके भाई ही थे। परिवार के ही थे, भाई ही थे। और उनसे 2 वर्ष बड़े थे। भाई थे, जाने चाचा लगते थे, परिवार के ही थे। उनका नाम था हनुमान प्रसाद गोयंका। तो दोनों की बड़ी मित्रता थी बचपन से ही। सेठ जी 2 साल छोटे थे, वो 2 साल बड़े थे, पर दोनों का परस्पर का बड़ा भारी प्रेम था। तो सेठ जी के संग के प्रभाव से हनुमान प्रसाद जी का वैराग्य इतना प्रबल हो गया कि वो कहने लगे कि तो संन्यास दीक्षा लेंगे हम, तो अब घर छोड़ के बाबा जी बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, साधु सन्यासी हो जाएंगे, भजन करेंगे, आप भी चलो। सेठ श्री जयदयाल गोयंका जी की भी आयु कमी थी, पर उन्होंने कहा 22 वर्ष में सेठ जी को भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? भगवान के चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। और दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो हमने बुलाया नहीं, ये क्यों आ गए बिना बुलाए? हमने तो दर्शन की भी कामना नहीं की, क्यों आए? तब भगवान ने ही स्फुरणा की कि मैं तुम्हारे द्वारा निष्काम भक्ति का प्रचार कराना चाहता हूँ। तब भगवान की आज्ञा से गीता का प्रचार, क्योंकि निष्कामता का प्रचार गीता के द्वारा ही संभव है। तो सेठ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, बहुत लोकोत्तर महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा हनुमान प्रसाद जी से कि देखो तुम्हारा वैराग्य अभी जो है ना अपरिपक्व है, ऐसा वैराग्य नहीं है तुम्हारा कि तुम निभ सको। अब तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं, तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं। तुम कहो तुम घर छोड़ोगे तो हम भी छोड़ देंगे घर, साधु भी हो जाएंगे। लेकिन मैं साधु बनूंगा तो अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा ऐसा बनूंगा, माने आँख से न कुछ देखना, न कान से कुछ सुनना, न मुंह से कुछ बोलना, न हाथ से कुछ करना, न पैर से चल के कहीं जाना, मैं तो केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। और फिर लौट करके पुनः संसार में आऊंगा नहीं, किसी भी मनुष्य मात्र के संपर्क में नहीं आऊंगा। और मैं तो इस देह की अवधि के पूर्ण होने पर वहां चला जाऊंगा जहां पहुंचने के बाद कोई लौट कर आता नहीं है। लेकिन तुम्हारा वैराग्य अपरिपक्व है, तुम्हें साधु सन्यासी बनने के बाद भी भोगों में फंसना पड़ेगा, हो सकता लौट के फिर से घर को आ जाओ, फिर तुम इसी संस्कृति के चक्र में भटक जाओगे। तो अब तक तो तुम्हारे कारण ही हमको जन्म लेना पड़ा। श्री जयदयाल गोयंका जी ने कहा तुम्हारे कारण हमको जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब यदि हम सन्यासी साधु हो गए तो तुम्हारे कारण हम पैदा
फिर तुम भटकना 84 के चक्कर में, हम तो फिर जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि तुमको ये सब बातें भूत भविष्य की कैसे पता चल जाती है? तो जयदयाल जी ने कहा कि लगभग 2000 वर्ष पहले हमारी तुम्हारी मैत्री थी। कितने हजार साल पहले? 2000 वर्ष पुरानी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम राजा थे और मैं तुम्हारा मंत्री था। दोनों ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले थे, संध्योपासन गायत्री आदि सब कुछ करने वाले थे, सत्संग भी करते थे, वैराग्य भी था। वैराग्य भाव से दोनों ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके साधु हो गए, सन्यासी हो गए, जंगल में रह कर भजन करने लगे, कठोर तप किया, साधन किया। लोग दर्शन के लिए भी आने लगे, सत्संग भी करने लगे, महिमा भी बढ़ गई। लेकिन मैंने कभी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया कौड़ी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सम्मान को स्वीकार नहीं किया मैंने। मैं जब तक था तब तक तुम्हारी वृत्ति भी ऐसी ही थी, लेकिन मेरी शरीर की अवधि पूर्ण हो गई, मैं शरीर त्याग कर उत्तम लोकों में गया। मैं मुझे मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उत्तम लोकों में इसलिए गया क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे प्रति मेरी आसक्ति थी, तुम्हारे कल्याण का चिंतन था, इसलिए मैं मुक्त। बहुत ध्यान से सुने, इसलिए मैं मुक्त नहीं हुआ, पर ऊपर के पवित्र ऋषियों के लोकों में मैं रहा। और फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी दशा ये हुई कि तुम राजा तो थे ही, भोगों को भोगने का तुम्हारा अभ्यास था, फिर लोगों ने आश्रम बना दिया, सुंदर गद्दा तक या तोशक सब रख दिए, तो अच्छे खाने पीने के भोग, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें प्रिय लगने लगी। इससे तुम अपने सन्यास धर्म से भ्रष्ट हुए केवल भोगेच्छा के कारण। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो इसका मतलब है ये सुख सुविधा भोगना साधु सन्यासी का काम नहीं है, उन्हें कठोर तपस्या ही करनी चाहिए, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। सन्यासी को क्या प्रवृत्ति करना, उसे तो भजन ही करना चाहिए। नरकों में जाना पड़ा, फिर 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ा, पर हमने तुम्हारे कल्याण का चिंतन किया था, इसलिए तुमको ये मानव जन्म प्राप्त हुआ और तुम्हारी आसक्ति के कारण हमको भी पैदा होना पड़ा। हम तो अब दोबारा आने वाले हैं नहीं, और तेरी तू जान। तब उन्होंने अपना घर छोड़ने का विचार छोड़ दिया और कहा कि अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही साधन करेंगे। और उनका भी जीवन बहुत पवित्र जीवन हुआ, और वो की भी सेठ जी की कृपा से उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। बड़ा अच्छा उनका चरित्र भी है। वो अलग थे, ये अलग। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो उनके मौसेरे भाई थे, वो पोद्दार थे, ये गोयनका थे। तो श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जब श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में गीता प्रेस में संपादन मंडल में सम्मिलित थे, उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में सुना जाता कि आपको अपने 2000 वर्ष पुराने तक जन्म की बात याद है और इसके पिछले भी जन्मों की बात याद है, क्या ये बात सही है? तो सेठ जी ने कहा कि कोई आश्चर्य की बात है, तुमको भी हो सकता है। संसार से पूर्ण वैराग्य जिस चित्त में हो जाता है और जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उस स्थिर चित्त में जैसे साफ दर्पण में आकृति स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार दिखने लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है।
साफ दिखने लग जाए, जहाँ तक देखना चाहे वहाँ तक देख ले। हम लाख जन्म पहले क्या थे ये भी समझ सकता है। शुद्ध चित्त में, निर्मल चित्त में पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, ये भी ज्ञान हो जाता कि हम कब मरेंगे, ये भी पता चल जाता है। कहाँ मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे, इसका भी ज्ञान हो जाता है, इसका भी पता चल जाता है। ईमानदारी से भजन करें तो सही। सब कुछ ठहरे हुए चित्त में प्रकट हो जाता है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जो, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि अनुभूति होने पर भी उनका प्रकाश करना, सबके सामने उनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। और बाकी अनेक महात्माओं को अनुभूतियाँ हो जाती हैं, मरने जीने की सब पता उनको चल जाता है। अभी एक महात्मा ने बताया, उन मरने का अपना समय निकाल के रख दिया, डायरी में लिख के रख दिया कि इस सन में, इस महीने में हमको जाना है, तो हम जाने की तैयारी में लगे हैं। जैसे कोई कहीं जाना चाहता ना तो तैयारी करता ना पहले से, हम तैयारी में लग गए। कैसे पता चला? चल गया पता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गेह वसी। इस देह रूपी घरों में रह करके हमने नए नए अनुभव प्राप्त किए, अनेकों शरीरों में रहे और जिस जिस शरीरों में रहे उस शरीर का अनुभव प्राप्त किया। फलता परिणामता समझ में क्या आया? बोले समझ में आया परखे प्रपंची प्रेम। अब देखो, हम आपको भले ही अनुभूति न भई हो पर शास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं? माताएं एक हंडी का चावल दबाकर देख लेती कि गल गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, तो पूरी हंडी के चावल पक गए। ऐसे ही वर्तमान लोगों के व्यवहार से, जीवन से अपने पिछले जन्मों की अनुभूतियां कर लेनी चाहिए। भले हमको पिछले जन्म नहीं दिख रहे हैं तो भी वर्तमान जीवन से, वर्तमान संसार के व्यवहार से हमें अब तक का जो कुछ संसार में व्यवहार हुआ है उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या बोले? परखे प्रपंची प्रेम। संसार में किसी का किसी से प्रेम नहीं, सबके सब प्रपंची हैं, सबके सब प्रपंची हैं। कैसे पता चले? परत उघारी सो। जैसे ही परत उघरती है तो भेद खुल जाता है। सबका कपट भरा प्रेम है और सबके प्रेम की कलाई अंत में खुल जाती है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। क्या है? बोले सुहृद समाज दगाबाजी ही को सौदा सूत। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये मौसा हैं, ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये जीजा हैं, ये नाना, क्या क्या हैं दुनिया भर के सब संबंध, ये सब सुहृद मानते ना इनको, सुहृद सगे संबंधी। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है ये सब दगाबाजी के ठेकेदार हैं। दगाबाज माने धोखेबाज, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे। अब मनुष्य के जीवन में पद पद पर अनुभव भी होता है।
लेकिन इसके बाद भी वो स्वीकार करता नहीं है, किसी का किसी से प्रेम नहीं है। हमारा आपसे प्रेम तब तक है जब तक हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस दिन हमारे स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पैदा होगी, हमारा आपका प्रेम खत्म। आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, आपका हमसे प्रेम तब कब तक रहेगा जब तक आपके स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रेम के जैसा व्यवहार स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति होने के कारण दिख रहा है। इसी को कहते दगाबाजी का सौदा। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, किसी का किसी से प्रेम नहीं। अरे बोले बात तो आप झूठ बोलते हो, लोग कितना एकदम छाती से छाती लगकर मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं एक दूसरे का, क्या कहना, बड़ा भारी प्रेम एक दूसरे में दिखाई पड़ता है। कहते सौ सौ जन्म तक साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जाने क्या क्या नहीं कहते हैं, कितना प्रेम दिखाई पड़ता है। कहते सब झूठी बात है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। जब जिसका काम बनने को होता है तब उसके पैरों में पड़ जाता है, बड़े छोटे को ऊंच नीच को भी नहीं देखता। जिसके पाँव में पड़ना क्या है, माने बिल्कुल एकदम न्यौछावर हो जाना अपना काम बनाने के लिए। और काम पूरा हुआ नहीं क्या, फिर तुम अपने घर के भले और हम अपने घर के भले, फिर किसी का किसी से कोई प्रेम नहीं है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। काम निकल जाने के बाद फिर कोई किसी को पूछता, काम निकल जाने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसलिए विबुध सयाने पहचाने कैधो नाहिनी के, देत एक गुण लेत कोट गुण भरी सो। विबुध सयाने, देवता तो बहुत सयाने हैं, बहुत चतुर हैं, चतुर को सयाना कहते हैं। देवी देवता बड़े सयाने हैं, पहचाने कैधो नाही नीके, क्या इनको बढ़िया से पहचाना नहीं। इसका मतलब है इतिहास पुराण पढ़ करके देवताओं को भी पहचान लिया गया, इनकी भी चतुराई चालाकी समझ में आ गई, ये भी अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। चतुर आदमी क्या करता है, चतुर आदमी ले तो ज़्यादा लेता है और देने के नाम पर मुस्कुरा देगा, बातें बना देगा। माने लेगा करोड़ गुना तो देगा एक गुना, ऐसा। तो देवता भी लेते ज़्यादा हैं, देते कम हैं। ये देवताओं को भी देख लिया, इसलिए भगवान अब हमारी यह समझ में आ गया कि देवी देवता आपके अंग हैं, ऐसा मानकर उनका आदर सत्कार पूजन आदि तो करना चाहिए, पर उनसे कोई भी वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। हाँ, वेद प्रसन्न होकर कहें कि भाई हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो, तो यदि आप दे सकते हो तो श्री राम जी के चरणों में हमको प्रेम प्रदान कर दी, ये मांगना चाहिए।
और चीज कुछ भी मांगने में भलाई नहीं है। अब रही बात कर्म धर्म की, जो कुछ भी हम कर्म धर्म करते हैं, व्रत उपवास होम स्वाध्याय तीर्थ यात्रा दान पुण्य, ये सब कर्म धर्म में आते हैं। ये जो हम कर्म धर्म कहते हैं, कर्म धर्म करते हैं, यदि इनका अनुष्ठान करने के बाद भी भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। भागवत जी में लिखा है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत प्यारी बात है, किसी ने धर्म का विधिवत अनुष्ठान किया, वर्णाश्रम धर्म का, और भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के पवित्र चरित्र में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, उसके द्वारा किया गया धर्म कर्म का अनुष्ठान कोरा परिश्रम ही है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि बिना श्री राम प्रेम के राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो। राख में हवन करने से क्या मिलेगा है? आपके द्वारा डाला गया घी तिल जौ चावल शक्कर मेवा सब बेकार चला जाएगा कि नहीं? अरे राख की बात तो छोड़ दो, शास्त्रों में लिखा है जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें भी आहुति नहीं देना चाहिए। लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुहियात, क्या लिखा है वेद में, समिद्ध तमेग्नौ जुहियात, एकदम प्रचंड अग्नि हो जाए, समिद्ध तम हो जाए, तब उसमें हवन करना चाहिए। कहीं कहीं हवन करते करते साकल्य का गोला सा बन जाता है, तो लिखा है कि यजमान के और आचार्य के पेट में गोला पैदा हो जाता है। धुएं में हवन करने वाला आचार्य यजमान दोनों अंधे हो जाते हैं, दूसरे जन्म में अंधे हो जाते हैं, बड़ा दोष लिखा है। इसलिए खूब प्रज्वलित अग्नि में आहुति देनी चाहिए। अग्नि आहुति देते समय जितनी प्रज्वलित होगी समझ लेना उतना अधिक प्रसन्नता से देवता आहुति स्वीकार कर रहे हैं। अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता है। हमारे मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, प्रथम पहाड़ी बाबा अनंत श्री समलंकृति योगराज परम तपस्वी श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, कलकत्ता के पास जिला 24 परगना में एक छोटा गांव है बसोबादी। तुम गए उस गांव में? नहीं गए। तुम गए हो? नहीं गए। पहाड़ी बाबा ने वहाँ दूना चैतन्य किया था एक घोष भगत के यहाँ, एक महीने वहाँ बगीचे में विराजते थे। आज भी वो बगीचा है और उस धूना पर आज भी लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो धूना अखंड नहीं है, धूने की जगह है, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह लोग लगाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। बाबा की एक प्रतिमा कोठरी जैसी बनी, उसमें एक कलाकार ने मूर्ति भी उनकी बना दी है सीमेंट में, उसी परिवार के बालक ने। तो बाबा ने कहा था कि मेरी परंपरा का कोई महात्मा आएगा वो ही इस धुनी को जागृत करेगा, उसके अतिरिक्त कोई आएगा तो उससे धुनी जागृत न, आज भी धुनी जागृत नहीं होती। एक महात्मा आए, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, लोगों ने कहा कि नहीं आप धुना चैतन्य कर दो, उन्होंने चैतन्य किया, सारे शरीर में जलन होने लगी उनके, ऐसे लगा सारा शरीर कोई अग्नि से जला रहा है, और धुना भी प्रचंड हो नहीं पाया।
और हम पहली बार जब गए थे उसकी दूसरी बार, पहली बार में तो समय नहीं मिला, दूसरी बार हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही आहुति शुरू किया, तब हमने तो हवन भी नहीं करते थे, पर जैसे ही वहाँ आहुति शुरू किया अग्नि एकदम दक्षिणावर्त होकर प्रचंड होकर जलने लग गया। हम कई बार वहाँ हवन कर चुके हैं, हमको कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? उन महापुरुष की यान, तो हमारी परंपरा के संत आकर इसको प्रज्वलित करेंगे। तब तक तुम इस स्थान का पूजन करना, यहीं सब हो जाएगा तुम लोगों। उनके वचन से आज भी हो रहा है। किसी समय में लोग सावधान थे तो धूना में लकड़ी डालते रहते थे, तो धूना हमेशा भी जागृत रहता था, लेकिन अब हमेशा जागृत नहीं है धूना। बाबा ऐसे सिद्ध थे, उस परिवार के एक भाई थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम बाबा के शिष्य होंगे। उनके बड़े भाई बाबा के शिष्य थे, वही बाबा को लेके आए थे वहाँ। तो बाबा तो यहाँ से गए और उसके बाद बाबा ने जीवित समाधि ले ली। तो जब उनको पता चला कि बाबा ने जीवित समाधि ले ली, तो वे बड़े दुखी हो गए और उस धूना के पास, प्रज्वलित धूना के पास बैठ गए। इस निश्चय के साथ बैठ गए कि अब दीक्षा तो हमको मिली नहीं, तो अब हम प्राणों का त्याग कर देंगे। राम 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 वहीं बैठ के करने लगे। 7 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, बिना अन्न बिना जल के 7 दिन तक एक आसन से, ऐसी निष्ठा थी उनकी। 7वें दिन की अर्धरात्रि को उसी धूनी की लपट से पूज्य श्री पहाड़ी बाबा साक्षात प्रकट हो गए। वृंदावन में जीवित समाधि ले ली और ठीक 7 दिन बाद धूना से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के विधिवत मस्तक पर तिलक लगाया, गले में हीरा बांधा, दीक्षा दे दी और बोले अब तेरा काम हो गया। उसके बाद वे उठ के चले गए तो लौट कर फिर आई ही नहीं, एकदम संसार उनका छूट ही गया। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं उनकी हैं। तो ये तो हमने प्रसंग बस कह दिया। कहने का आशय ये है कि राख में हवन करने से कोई फायदा नहीं है, प्रचंड अग्नि में, प्रदीप्त अग्नि में ही हवन करना चाहिए। तो जैसे राख का होम बेकार है और जैसे ऊसर में बरसना बेकार है, ऊसर जहाँ घास भी पैदा नहीं होती उस ऊसर में पानी बरसना भी व्यर्थ है, जैसे ऊसर का बरसना बेकार है, जैसे राख की ढेरी का होम बेकार है, ऐसे ही बिना श्री राम प्रेम के आपके जीवन में किया गया कर्म धर्म सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, जाको जस लोक वेद रहयो है वगरी सो। इसलिए अरे मन, अरे जीव, आदि अंत और मध्य में सभी जीवों का भला करने वाले श्री राम जी ही हैं। आदि में भला वे न करते तो ये मनुष्य जन्म हमको मिलता? कवहूं कि करी करुणा नर देही देत ईस विनु हेतु सुने, उनकी कृपा से मिला है। और मध्य में भला न करते तो सत्संग मिलता? अच्छे माता पिता, अच्छे लोगों का संग, अच्छा अच्छी प्रवृत्ति मिलती, ये मध्य का भला है। और इसी भलाई के मार्ग पर, कृपा करुणा के, वैष्णवता के, शरणागति के मार्ग पर चलते रहोगे
तो अंत में भी भला ही होगा। आदि मध्य अंत तीनों में जीव मात्र का भला करने वाले एकमात्र श्री राम जी ही हैं। कहते इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण कितने हैं, जाको जस लोक वेद रहयो है बगरी सो। बगरा हुआ माने फैला हुआ है लोक में, वेद में, सर्वत्र राम जी ने आदि मध्य अंत में जीवों का कैसे परम हित किया, ऐसे प्रमाण, ऐसे चरित्र असंख्यों चरित्र हैं। लोक में भी देख लो, वेदादि शास्त्रों में भी देख लो। क्या है वेदादि शास्त्रों में? सीतापति सारिखो न साहिब सील निधान। सीतापति के जैसा स्वामी, सील सिंधु स्वामी, सील निधान स्वामी, प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहीं न राम सो साहिब सील निधान। राम जी के जैसा कोई सील निधान साहिब नहीं है। कैसे कल पर सठ बैठो सो बिचारी सो। अरे सठ, अरे मूर्ख, ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है, ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है, तो फिर तुझे कल कैसे पड़ सकता, कल माने शांति, तुझे शांति कैसे मिल सकती है। ऐसे अर्थात ऐसे भगवान को भुला देने पर तुझे कभी भी सुख शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए उनको तुम भुलाओ मत, उनको विसारो मत, निरंतर प्रभु की याद रखो। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। प्रीतम पुनीत कृत नीच निदरिसो। तुलसी तो को कृपालु जो कियो है कौशल पालु। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करिसो। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। कहते हैं जी के प्राणों के भी प्राण और जीवन के भी जीवन श्री राम जी। जीव का जीवन प्राणों के परम हेतु अत्यंत प्रिय और नीचों को पवित्र करने वाले हैं श्री राम जी। और ऐसे श्री राम जी का तुम निरादर कर रहे हो, अर्थात उनको भुला रहे हो, ये तुम्हारी कितनी बड़ी कृतघ्नता है, ये तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है, ये तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है। जो प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन के भी जीवन हैं, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिनके जैसा हितैषी और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने कृपा पूर्वक तुम्हें तुम्हारे कल्याण का अवसर प्रदान करने के लिए देव दुर्लभ मानव जन्म प्रदान किया है, ऐसे भगवान को तुम भुला रहे हो, यही है उनका तिरस्कार, यही है उनका निरादर। गोस्वामी जी कहते तुलसीदास तुम्हें दूसरे के बारे में कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु। कौशलेंद्र भगवान श्री राम ने, कौशल का पालन करने वाले श्री राम जी ने, अरे तुलसीदास तुम्हारे लिए जो किया है उसको तुम याद तो करो। क्या किया?
बोले चित्रकूट को चरित्र चेतु चित्त करिसो। चित्रकूट में तेरे ऊपर राम जी ने कैसी कृपा की थी उसका विचार करके थोड़ा चेत तो करो। गोस्वामी जी भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल और विह्वल हो रहे थे, तो वहां हनुमान जी ने वाराणसी में जहां संकट मोचन हनुमान जी हैं वहां हनुमान जी ने गोस्वामी जी को आदेश दे दिया कि तुम चित्रकूट में जाकर भजन करो। गोस्वामी जी कथा आप सब जानते, वाराणसी से चित्रकूट आ गए, चित्रकूट में भजन करने लगे। सर्वप्रथम राम जी ने श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी ने घोड़े पर सवार रूप में आपको दर्शन दिया। धनुष की प्रत्यंचा खींचे हुए चारों लाल जी घोड़े पर चढ़कर के सामने से जा रहे हैं। क्या कहना, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला स्वरूप, लेकिन उनको देख के इन्होंने यही सोचा कि गौर नील वर्ण के अतीव सुंदर कोई मनोहर राजकुमार हैं, जंगल में मृगया के लिए जा रहे हैं। भगवान को पहचान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हुए का कौन, बोले वो सामने से निकले थे। अरे हमने तो उनको मृगया करने वाले राजकुमार जानकर नेत्र बंद कर लिए, तो बड़ी चूक हो गई। तो अब की बार ठाकुर जी आवें तो आप हमको, हम भूल जाएं तो हमको जना देना कि भगवान आए हैं। तो माघ की अमावस्या की तिथि थी जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी मंदाकिनी में स्नान करके राम घाट पर बैठे थे, अपने ठाकुर सेवा कर रहे थे। ठाकुर सेवा के लिए चंदन घिसा था, तो भगवान आए, उन्होंने भी मंदाकिनी में स्नान किया। राम लक्ष्मण आए मंदाकिनी में स्नान किया, स्नान करके बोले बाबा मुझे तिलक कर दो। बड़े सुंदर बालक हैं तो भगवान को सेवा तो कर ही चुके थे, तो चंदन अभी लगाया नहीं था प्रसादी, तो चंदन से उन्होंने बालक भगवान है करके तिलक किया। तो बाबा मैं आपको भी तिलक कर दूं, तो बड़े मन में प्रसन्न हो गए कि चलो ये भी बालक हैं इनका मन रह जाना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा बालक भगवान कर दो तिलक। तो सरकार भी तिलक करने लगे, तो अभी भी यही भूल रहे थे कि इतने मनोहर इतने सुंदर बालक हैं। उसी समय हनुमान जी तोता बनकर पेड़ की डाल पर बैठ गए और बोले चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आप चरण पकड़ते तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। हमारे महाराज जी कहते थे भगवान ने आकर तिलक क्यों लगाया इनको, मानो संत तिलक बनाने के लिए, कवि कुल तिलक बनाने के लिए, भक्तमाल का सुमेरु बनाने के लिए भगवान ने उनको तिलक कर दिया। हनुमान जी बोले अब तो दर्शन हुए, बोले संतोष नहीं हुआ। हनुमान जी बोले फिर संतोष कैसे होगा, बोले संतोष ऐसे होगा कि हमको पूरे दरबार का दर्शन हो, ऐसे नहीं छद्म नहीं, साक्षात रूप में पूरे दरबार का दर्शन हो, उसमें माताजी बगल में विराजी हों, सरकार हों, भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, शत्रुघ्न जी हों, आप भी हों, सब हों वहाँ, खूब आंख भर के हम दर्शन करें। हनुमान जी बोले चलो ऐसी भावना है तो ये भी पूरी हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। तो कामताना जी की परिक्रमा की है, कामताना जी की परिक्रमा में एक सरयू द्वार है, सरयू है ना, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी, सरयू जी है ना एक स्थान पर, देखा है वहां हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, उसी स्थान की बात है जिसको सरयू द्वार कहते हैं। वो भी एक द्वार है कामदगिरी जी का, वहाँ से सरयू जी राम जी के लिए प्रकट हुई।
तो वहाँ क्या देखा गोस्वामी जी, अर्धरात्रि को परिक्रमा करते थे तुलसीदास जी, कब परिक्रमा करते थे कामताना जी की, अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय बहुत से संत परिक्रमा करते हैं वहाँ, और प्रायः अर्धरात्रि के समय 12 से 3 के बीच में वहाँ बैठकर जप करने वाले परिक्रमा करने वालों को विचित्र विचित्र अनुभव आज भी हो जाया करते हैं चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी अर्धरात्रि को दिन भर तो भजन करते, राम राम करते, परिक्रमा अर्धरात्रि में करते थे। तो गोस्वामी जी परिक्रमा किए तो जहाँ सरयू स्थान है वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर दरबार लगा है राम जी का, मणियों से जटित सिंहासन है और श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी बैठे हैं, सुंदर छत्र तना हुआ है, लक्ष्मण जी छत्र लिए हुए हैं, भरत जी चंवर लिए हैं, शत्रु जी पंखा लिए हुए हैं और हनुमान जी चरणों में बैठकर धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। गणेश जी भी वहीं हैं, शंकर जी भी वहीं हैं, ब्रह्मा जी भी वहीं हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि भी वहीं हैं, मंत्री भी बैठे, पूरे दरबार का दर्शन, माने श्री राम राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन हुआ। तो गोस्वामी जी बोले, भाई परिक्रमा तो रोज करते लेकिन आज तो बड़ी सुंदर लीला हो रही है, राम राज्याभिषेक की, चलो लीला का दर्शन कर लें। बैठ गए वहीं, ये भूल गए कि यहाँ मणियों का सिंहासन कहाँ से आया, छत्र चमर इतना दिव्य प्रकाश यहाँ कहाँ, ये सब भूल गए, बड़े भाव विभोर होकर लीला का दर्शन करने लगे। तो सिंहासन अति परम मनोहर दिव्य सिंहासन पधराया, बिठाए, सब हुआ और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने और पुण्य विप्रन कहूँ आयुष दीना। तो जैसे ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया, तिलक करने के बाद फिर ब्राह्मणों को कहा, तो ब्राह्मणों की संतों की सभा में तुलसीदास जी भी बैठे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे भाई तुम भी तो ब्राह्मण हो, संत हो, ऋषि हो, तिलक करो राम जी को। तब आपने राम जी को तिलक किया, वशिष्ठ जी के बाद राम जी को तिलक भी किया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और जब हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा कि अब ये मत समझो कि लीला हो रही है, नाटक हो रही है, साक्षात दर्शन हो रहा है, अब मन भरकर अपने सरकार का दर्शन कर लो। तो इस प्रकार से प्रेम से गोस्वामी जी को संपूर्ण परिकर के सहित राम जी का सांगोपांग दर्शन हुआ। वही बात विनय पत्रिका के 264वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करिसो। अरे चित, तू चित चेत कर, ध्यान दे, तू क्या जैसी कृपा चित्रकूट में तेरे ऊपर भई, क्या तू उस कृपा के लायक भी था, पर तेरे ऊपर कैसी कृपा हो गई, उस कृपा का तुम स्मरण करके अब अनन्य भाव से श्री राम जी का भजन करो, राम जी के शरणागत होकर के राम जी का भजन करो। इसी पद के साथ आज का सत्संग हम पूर्ण कर रहे हैं, 7 से ऊपर हो रहा है, लगभग 2 घंटा हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री सीता राम चंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गंगा महारानी की श्री धरणीधर भगवान की श्री श्वेतवाराह भगवान की श्री सूकर क्षेत्र श्री सोरों जी की सब संतन की सद्गुरुदेव भगवान की विरक्त स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये सम तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः
सौरभेयीभ्येवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रैतनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद् रोम गरते सुनिलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणशूकरायते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ने। बंधों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय।
श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री वाराह क्षेत्र की जय। श्री सोरोंजी महातीर्थ की जय। श्री वाराह तीर्थ की जय। श्री यज्ञवाराह भगवान की जय। श्री श्वेत वाराह भगवान की जय। श्री धरणीधर भगवान की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। सोरोंजी धाम की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री गंगा कछला घाट की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। थोड़ा सा आगे खिसक के बैठ जाएं, जिसमें कोई आ जाएंगे मान लो तो उनको फिर आपको खिसकना नहीं पड़ा। बस बस हाँ बस बस हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से ऋषिकेश धाम से चलकर के कल गीता भवन ऋषिकेश धाम से चलकर के गंगा जी के तट से चलकर फिर गंगा जी के तट पर आना हो गया। ऋषिकेश में नित्य प्रति कम से कम दो बार गंगा जी में स्नान का गंगा जल में स्नान का लाभ मिला। तो ऐसे ऐसे महावीर हैं जो घंटा घंटा दो दो घंटा गंगा जी के शीतल जल में ये लोग सब तैरते रहे नित्य। खूब गंगा जी का लाभ मिला। यह अत्यंत प्राचीन सुप्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ है श्री वाराह तीर्थ। वाराह भगवान ने प्रकट होकर के जो पृथ्वी का उद्धार किया तो इसी कुंड में जो वाराह कुंड है तीर्थ है इसी तीर्थ में वो सदेह विलीन हो गए। और आज भी इस तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है कि
पूरे राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश का काफ़ी भाग, बहुत दूर दूर तक के लोग अपने मध्य प्रदेश के बहुत आते हैं, अपनी अस्थियों को विसर्जित करने यहाँ आते हैं। वाराह तीर्थ जो वाराह सरोवर है उसको, उसमें अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं। और बड़ी विशेष बात है बहुत विशेष बात यह है यहाँ बैठो यहाँ सामने कोने में क्यों घुसड़ते हो टिकने के लिए। तो हैं, हाँ, अस्थियाँ कुंड में जो विसर्जित की जाती हैं वो अस्थियाँ गल करके रजरूप हो जाती हैं। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ हड्डियाँ गलकर रज बन जाए, और वो गल के ही उसके साथ मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। विलक्षण बात है, नहीं तो लाखों लोग वर्ष भर में अस्थियां विसर्जित करने यहाँ आते हैं और पूरा सरोवर ही भर जाता हड्डियों से, लेकिन सब रज कण बन जाता सबका। ये विलक्षण बात है। क्या जल में विशेषता है? लोहारगल क्षेत्र है, वहां लोहा डालो वो गल करके लोहा गल जाता है। आज भी वहाँ लोहा गल जाता है, लोहागढ़ जी में आज भी लोहा गल जाता है, यहाँ हड्डियाँ गल जाती हैं। प्रयाग में अस्थि विसर्जन किया जाता है लेकिन वहाँ हड्डियाँ गलती नहीं है, जहाँ जहाँ हड्डियाँ विसर्जित किया वहाँ हड्डियाँ गलती नहीं, और यहाँ हड्डियाँ गल जाती हैं। महान पितृ तीर्थ है सोरों जी, ये वाराह क्षेत्र है, भगवान धरणीधर यहाँ विराजते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज भी सोरोजी में रह करके कुछ काल उन्होंने भजन किया, और ऐसी भी एक मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने बाल्यकाल में अपने गुरुदेव की सन्निधि में सोरोजी में रहे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोरोजी उनकी जन्मस्थली है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। अब तो कासगंज जिला हो गया, पहले एटा जिले में सोरोजी आता था, अब कासगंज जिले में आता है। तो सोरोजी महान तीर्थ है, कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है, और प्रायः भारतवर्ष के सभी महापुरुष सोरोजी आते हैं। श्री मलुकदास जी महाराज भी सोरोजी पधारे, मलुकदास जी महाराज भी सोरोजी आए। एक उनके चरित्र में ये बात आती है, मलुकदास जी सोरोजी आए, और सोरों में एक पंडा की बही में उनके हस्ताक्षर भी है। पंडा लोग जो है हस्ताक्षर करवा लेते हैं ना, यहाँ आए दान दक्षिणा दी,
है, हाँ, उसको उसकी खोज जरूर करनी चाहिए। हाँ 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 नष्ट वर्ष हो गया। हाँ हाँ काट की हवेली। इसमें लिखा है अयोध्या से वैराग्य ज्योति प्रकाशित हुई थी, उनमें उसमें ले प्रकाशित लेख है कि मलुकदास जी अपने गुरु भाइयों के साथ तीर्थाटन करते हुए चित्रकूट से 1600 संवत 1725 में आए। 1725 में चित्रकूट से सोरों आए और वैष्णवों के पंडा श्री कृष्ण बल्लभ काठ की हवेली के पूर्वजों को दान दक्षिणा देकर गंगा स्नान करते हुए वृंदावन पधारे। और वृंदावन में जो पीठ की स्थापना है वो भी 1725 की है, तो इससे भी प्रमाणित हो गया कि 1725 में यहाँ आए और इस लेख के अनुसार 1725 में ही वृंदावन पधारे, मलुक पीठ की स्थापना की। पंडा जी की बही में क्या लिखा है वो भी इसमें लिखा है, अब नष्ट हो गया लेकिन इस लेख में सुरक्षित है। दृष्टव्य पंडा जी की बही गद्दी प्रयाग आए गंगा जी संबत 1725 चैत्र बदी राघवानंद जी के परिवार, श्री रामानंदाचार्य जी के गुरु, ऐसे ही लिखते हैं पंडों के यहाँ, राघवानंद जी के परिवार रामानंद जी की शाखा अनंतानंद जी के बाल गोपाल कृष्णदास पैहारी जी के वंश कील जंगी तन तुलसीदास, ये गुरु परंपरा लिखी है, देव मुरारी जी के गुरु भाई पीपोराम गंगाराम संत राम जी श्यामदास जी मलुकदास जी चित्रकूट से आए इत्यादि लिखा है, आदि आदि उल्लेख है। तो इस प्रकार से श्री मलुकदास जी का संबंध भी महान तीर्थ सोरों जी से है, उनके चरण भी यहाँ पधारे, तुलसीदास जी के चरण भी यहाँ पधारे। तो लगता है विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम महत्वपूर्ण कृति है, लगता है इसलिए ऐसा बानक बन गया कि जब यह ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है तब कम से कम एक दिन का सत्संग सोरों जी के क्षेत्र में भी हो रहा है। और यह सहज संयोग बन गया, बहुत पहले से प्रस्तावित था कि गंगा जी का सब स्नान करेंगे और वहीं ठाकुर जी को हनुमान जी को भोग लगेगा, वहीं सब संत दाल बाटी चूरमा पाएंगे। ऐसा मनोरथ कितने साल पुराना है? 2006 का है, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो विनय पत्रिका के क्रम में ही उसको आना था, ऐसा समझ लो। आना तो हमको वृंदावन से आज था, लेकिन आपने कहा कि फिर जाएंगे, फिर द्वारा यात्रा करेंगे, इससे अच्छा सीधे ही यहीं आ जाइए। तो अच्छा हुआ, एक रात्रि और अधिक मिल गया और विश्राम भी बढ़िया से हो गया।
तो कल वृंदावन से बहुत से संत पधारेंगे, लगभग 100 संत पधारेंगे और सब गंगा जी स्नान करेंगे और सब प्रसाद पाके फिर वृंदावन प्रस्थान करेंगे। हम भी कल ही वृंदावन प्रस्थान करेंगे प्रसाद पाके। तो भगवान की बड़ी कृपा, कासगंज में जब श्री राम कथा हुई थी, कौन से सन की बात है, 2007 में राम कथा हुई थी, उस समय आप सबके पूज्य पिताजी माताजी, माताजी भी थी ना, हैं, माताजी नहीं थी, पूज्य पिताजी विराजमान थे और बड़े ध्यान से पूरी कथा श्रवण करते थे और उनका श्री राम ऋक्षपाल जी हैं अग्रवाल, वस्तुतः श्री राम ऋक्षपाल जी अग्रवाल एक महान सत्पुरुष थे, एक साधक कोटि के पुरुष थे और सुभाष जी, सुधीर जी, सुबोध जी, ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र माता पिता आपको प्राप्त हुए। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा। आपके घर में जो कुछ संस्कार अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके पूज्य पिताजी का योगदान है। हम उतना पूजा पाठ कभी नहीं कर सकते जितना आपके पिताजी करते थे। संध्योपासन, गायत्री का जप, नित्य रुद्राभिषेक हैं और राम सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, गणपति सहस्रनाम, गंगा सहस्रनाम, कम से कम 10 सहस्रनाम का पाठ रोज करते थे और बड़ी सच्चाई पूर्वक आपने व्यापार किया। छल कपट चोरी रिश्वत खोरी इसका दूर दूर तक कहीं नाम, घाटा नुकसान भी सह करके अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और उसी का यह परिणाम है कि आप सब के हाथ में माला झोली है। ये पिताजी की कृपा है। और हमसे कहते थे कि हम इन लोगों से बार बार कहते हैं, भाग भाग के वहाँ जाते क्या जाता, कहाँ जाना है, एक जगह बैठो, राम राम करो, भजन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। इतना पुराणों का स्वाध्याय करते थे, क्या कहना, बहुत स्वाध्याय करते थे। हमारे पास बैठते थे तो तमाम पुराणों की कथाएं सुनाते थे। ऐसा बड़ा अद्भुत पवित्र उनका जीवन था और पुत्र वही है जो अपने पिता के पदचिन्हों पर चले। तो आप सब लोग पदचिन्हों पर चल रहे हैं, भजन में लगे हैं, सबका खान पान पवित्र है, सबके आचरण पवित्र हैं, सबके संस्कार पवित्र हैं। ये भगवान की सर्वोपरि कृपा, ये पूंजी है। और जैसे लोग अपनी पूंजी घटने नहीं देना चाहते, पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही आप लोगों का कर्तव्य है कि इस पूंजी को बढ़ाएं, अच्छे से अच्छे संस्कार घर में बालकों के होवें, उसी में सबको लाभ है। काशी में भी प्रवचन हो गया, चित्रकूट में भी हो गया, प्रयाग में भी हुआ ना। तो हम समझते हैं तुलसीदास जी महाराज जहाँ जहाँ पधारे सब जगह कुछ न कुछ प्रवचन जरूर हो गया, विनय पत्रिका के अयोध्या जी में भी हो गया। हाँ, एक आध दिन अयोध्या जी में नहीं गए, अच्छा चलो, तो प्रायः सब जगह हुआ। सोरों जी में तो गोस्वामी जी का बाल्यकाल बीता है। श्री स्वामी नरहर आनंदाचार्य जी से प्रथम राम कथा सुनी सो सूकर खेत, स्वयं मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, सूकर खेत, सूकर क्षेत्र, वारा क्षेत्र। तो ऐसे पवित्र तीर्थ में श्री शिव रामाश्रय, यही नाम है,
श्री शिव रामाश्रय में जी हाँ, इस भवन का नाम है शिव रामाश्रय। ऐसे शिव रामाश्रय भवन में श्री नर्मदेश्वर भगवान, श्री लड्डू गोपाल जी भगवान, घर के ठाकुर जी की सन्निधि में, पूज्य संतों की सन्निधि में आज का सत्संग हम शुभारंभ कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का क्या नाम था? परम पूज्य स्वामी शंकरानंद जी विरक्त, उनके स्वरूप में ही विरक्ति झलक रही है। बहुत खरे महापुरुष थे, बड़े उच्च कोट के साधक तपस्वी महात्मा थे और उनका यहाँ पदार्पण होता रहता था, तो उनके संग से विशेष लाभ हुआ। ऐसे पूज्य विरक्त स्वामी शंकरानंद जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि जिन जी गौ ब्राह्मण की सेवा में लगे रहते थे। देखो, महात्माओं का संग अमोघ होता है। वे महात्मा यहाँ पधारे तो उसका संस्कार पूरे परिवार में दिखाई पड़ता है। सब जनेऊ पहनते हैं, सब जप करते हैं, सब संध्या करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस घर में प्रायः सब लोग 6,000 मंत्राज का जप तो सब करते हैं। सुधीर जी कहते हैं, उनकी गृहिणी करती हैं, सुभाष जी भी करते, सुभाष जी तो ज़्यादा करते होंगे, सुभाष जी भी 6,000 जप करते हैं, सुबोध जी भी जप करते, सुबोध जी करते हैं कि नहीं? सभी लोग जप में लगे हुए हैं। घर के बहू बेटे भी जप पूरा करते हैं, तो ये हमारे मन में इसी से ज़्यादा प्रसन्नता है। आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि बिना पढ़े लिखे हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है। आप बहुत प्रतिष्ठा वाले हैं, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रसन्नता केवल इस बात से है कि मनुष्य जन्म भगवान ने कृपा करके जिसके लिए दिया है, उस काम में भगवान ने अपनी अहित की कृपा से आप लोगों को लगा रखा है। अब यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा भजन साधन आप लोग करें कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, इसके बाद फिर दोबारा इस संसार के चक्र में आना न पड़े। जिन भगवान से हम अनेक जन्मों से बिछुड़े हैं, उन भगवान के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए हमें प्राप्त हो जाए। बस ऐसा यत्न कर लो, बस उसी में सब सफल हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए। ऋषिकेश गीता भवन में कल दो सौ बासठवां पद हुआ था ना कल, हैं? 262 आपने सुना जी। आज 263वां पद है। बहुत प्यारा पद है। नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की, नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की, नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की, रावरो भरोसो नाह कैसु प्रेम नेम लियो, रावरो भरोसो नाह
कैसु प्रेम ने मलियो, रुचिर रहनी रुचि मति गति तिय की, रुचिर रहनी मृचि मति गति तिय की, नाथ नीके के जाने भी ठीक, जन जिय की नाथ नीके के जाने भी ठीक, जन जिय की। कुकृत सुकृत बस सब ही संग पर्यो, सब ही संग पर्यो, परखी पराई गति आपने हुकीय की, परखी पराई गति आपने हुकीय की, मेरे भले को गुसाई पोछ को ना सोच संक, मेरे भले को गुसाई पोछ को न सोच संक, हूँ किए कहो सो हो साची सिय पिय की, हूँ किए कहो सो हो साची सिय पिय की, ज्ञान हु गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी, ज्ञान हु बाहर अंतर जामी, ज्ञान हु गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी, ज्ञान हु यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख ओहिय की, यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओहिय की, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, राखी कहो हो तो जो पे वह हो माखी घी की, राखी कहो हो तो जो पे वह हो माखी घी की, नाथ नी के जाने भी ठीक जन जी की, नाथ नी के जाने भी ठीक जन जी की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि हे सर्वांतर्यामिन, दिखावटीपना आपके सामने चलने वाला है नहीं। इधर आ जाओ सामने, यहाँ जगह एकदम सामने जगह खाली है। हमारे यहाँ महात्मा कहते लड़ा कथा, यहाँ यहाँ इस पे गद्दा पे नहीं। कथा कीर्तन में आगे रहना और लड़ाई भिड़ाई में पीछे रहना, लड़ाई भिड़ाई में सदा पीछे रहो, कथा कीर्तन में सदा आगे रहो, महात्माओं में कहना है। कथा में जितना निकट बैठोगे उतना ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि अब कोई सामने से आया गया तो मन की वृत्ति बार बार इधर उधर होगी ना, और निकट होने से। यहाँ गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, संसार तो बनावटी है,
और संसार में लोगों का व्यवहार भी बहुत बनावटी है और संसार में लोगों का काम बनावट से ही चल रहा है, बनावटी व्यवहार है, क्योंकि भीतर की तो कोई जानने वाला है नहीं। आपके बाहरी व्यवहार को, बर्ताव को देखेंगे लोग, भीतर कौन किसके मन में घुसा हुआ है, किसी के मन में तो कोई घुसा नहीं। तो संसार बाहर का व्यवहार देखने वाले हैं वाला है और आप भीतर का देखने वाले हैं। बाहर का तो आपसे छिपा हुआ है ही नहीं, भीतर का भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो जब भीतर का आपसे छिपा हुआ नहीं है तो आपके सामने बनावट तो चलेगी नहीं, क्योंकि जानवी ठीक जन जिए की, जन के माने जीव के, जिए की माने हृदय की, ठीक ठीक आप ही जानते हैं। हम भी अपने मन की ठीक ठीक नहीं जानते, हाँ, मन में कितने जन्मों के वासना के संस्कार प्रसुप्त पड़े हैं इसको हम कहाँ देख पा रहे हैं। पर भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, भगवान ठीक ठीक सबके मन की जानती हैं, जानते हैं। तो आपके सामने बनावट तो चलेगी नहीं, इस बात को तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हम जो कुछ आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं ये बनावटी बातें नहीं हैं, क्योंकि बनावटी बातें आपके सामने न चलने वाली हैं न आपसे छिपने वाली हैं। हमने अब तक जो कुछ कहा अपने मन की, अपने हृदय की बात ही आपके चरणों में बिना किसी शर्म संकोच के अत्यंत सहजता पूर्वक हमने अपने मन की बात आपके चरणों में रख दी। अब भगवान हम ये कहना चाहते हैं कि आपसे छिपी हुई तो कोई बात है नहीं, आप भीतर की जानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले हैं, तो आपसे हम बनावट तो करेंगे ही क्यों। बनावट करने की बात सोचना भी महामूर्खता है। बस नाथ हम ये कहते हैं कि राव रो भरोसो नाह के सुप्रेम नेम लियो। हे भगवान, मुझे एकमात्र आपका भरोसा है, मुझे एकमात्र आपका भरोसा है, मुझे माने मेरी बुद्धि को। हमने यह अच्छी प्रकार से समझ लिया कि आपके अतिरिक्त कहीं भी भरोसा किया गया तो उसका परिणाम होगा रोना, रोना पड़ेगा। संसार में कहीं भरोसा करोगे रोना पड़ेगा, शरीर पर भरोसा करोगे तो रोना पड़ेगा, धन पर भरोसा करोगे तो रोना पड़ेगा। आपके अतिरिक्त जहाँ कहीं भरोसा किया जाएगा उसके परिणाम में रोना ही पड़ेगा। तो हरिगुरु संतों का संग करते करते, आपके पवित्र नाम रूप लीला का आश्रय लेते लेते हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि हमारी बुद्धि को ठीक ठीक समझ में आ गया कि भरोसा करने के लायक तो केवल एक आप ही हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, पिछले आप सुन चुके हैं नाम महिमा के संबंध में, कहा भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण थरो। मैं तो आपका, आपके नाम रूप लीला धाम का भरोसा किए बैठा। यहाँ गोस्वामी जी अपनी बुद्धि को पतिव्रता स्त्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमारी निर्मल बुद्धि वो पतिव्रता स्त्री के समान है और पतिव्रता स्त्री को
अपने पति के अतिरिक्त किसी का भरोसा नहीं होता है, ऐसे ही मेरी साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करके मेरी भक्ति पतिव्रता कन्या के समान हो गई है, और उस पतिव्रता कन्या रूपी हमारी बुद्धि ने नाह के रूप में कांत के रूप में आपका ही वर्ण कर लिया है। इस पतिव्रता स्त्री हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि ने क्या किया, बोले नाह के सुप्रेम नेम लियो। नाह माने पति, अपने पति से ही उत्तम प्रेम और उत्तम नियम के निर्वाह का व्रत लिया है इसने। जैसे पतिव्रता नारी अपने नेम प्रेम के निर्वाह की प्रतिज्ञा अपने पति के साथ करती है, जीवन पर्यंत तो रखती ही है। कथंचित पति की मृत्यु हो गई तो अत्यंत प्रिय देह में भी उसकी ममता नहीं होती है, वह पति का अनुगमन करती है, चिता में भी प्रविष्ट हो जाती है और पति का अनुगमन करती है। उसे ये प्रयोजन नहीं कि हमको कहाँ जाना है, न उसे स्वर्ग चाहिए न उसे मोक्ष चाहिए, मरने के बाद भी हमारे पतिदेव जिस लोक में गए हैं हमें उसी लोक को पहुँचा, हमें वही लोक चाहिए, ये उसकी भावना होती है। तो हमारी बुद्धि रूपी पतिव्रता स्त्री ने आपके साथ निश्चल निष्कपट प्रेम करने का व्रत लिया है और इसका निर्वाह करने का भी नियम लिया है। रुचिर रहनी रुचि मति गति तीय की, मति रूपी जो तीय है, पत्नी है, स्त्री है, उसकी रहनी भी रुचिर है, बहुत अच्छी है, और इसकी गति मति सब बहुत अच्छी है। सुंदर आचरणों में हमारी बुद्धि रूपी स्त्री की रुचि है। पतिव्रता स्त्री की दुराचरण में रुचि नहीं होती है, पतिव्रता स्त्री की सदाचार में रुचि होती है। पतिव्रता का लक्षण क्या है? पतिव्रता का लक्षण है उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण मानस जी में दिया हुआ है। पति के अतिरिक्त इस धरती पर किसी भी पुरुष मात्र को वो पुरुष भाव से देखती ही नहीं है। स्वप्न में भी उसके पर पुरुष की अनुभूति नहीं होती है। उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। आशय कहने का ये है कि जागृत में तो आप निरंतर हमारी बुद्धि में रमे ही हुए हैं, स्वप्न में भी मेरी बुद्धि में आपको छोड़कर के कोई दूसरा समाहित नहीं है, मेरी बुद्धि ने तो पतिव्रता स्त्री के समान आपका वर्ण कर लिया। वो केवल आपको ही जानती मानती स्वीकार करती है। यहाँ जो 263 में पद का जो भाव का पहला चरण है, इस पहले चरण का जो भाव है, और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में भीष्म स्तुति का भाव भी वही है। भीष्म जी महाराज भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल वहाँ बस अंतर इतना है, वो भीष्म जी के शब्दों में है और ये तुलसीदास जी के शब्दों में, लेकिन भाव दोनों के एक। भीष्म जी कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपे युषियद भव प्रवाह। हे प्रभो, आपकी अहेतु की कृपा से हमारी बुद्धि आपके साधन भक्ति का अनुष्ठान करके वितृष्णा तृष्णा रहित हो चुकी है,
सर्वथा विशुद्ध और निर्मल हो गई है। तृष्णा माने ना तो संसार के कोई भोगों का लालच उसको रह गया, ना स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच रह गया, एकदम निर्मल निष्काम हमारी बुद्धि हो चुकी है। और ये बुद्धि जब आप में लगती है तो जीव का कल्याण हो जाता है, और जब यह बुद्धि शरीर संसार में लग जाती है, भोगों में लग जाती है, तो भव प्रवाह संसार के प्रवाह में, जन्म मृत्यु के प्रवाह में जीव पड़ जाता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली भोगों में लगी हुई जो बुद्धि है वो उल्टा बुद्धि है। उल्टा का लक्षण क्या है? एक जगह न लगे, यहाँ लगी, वहाँ लगी, वहाँ लगी, वहाँ लगी, उल्टा का लक्षण है। और एक में लग गई वो पतिव्रता का लक्षण है। तो भोगों में न लग करके हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है, इसलिए मेरी बुद्धि सती बुद्धि हो गई है। और सती बुद्धि का पाणिग्रहण आपको कर लेना चाहिए, ये भीष्म जी के कहने का भाव है। इसका तात्पर्य है कि बुद्धि, हम सबके पास दो प्रकार की बुद्धि है, एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि। सती बुद्धि भोगों में लगी हुई बुद्धि, असती बुद्धि भगवान में लगी हुई बुद्धि, और असती बुद्धि भोगों में लगी हुई बुद्धि असती बुद्धि। बुद्धि सती कैसे होती है और बुद्धि असती कैसे होती है? कुलटा स्त्री भी पतिव्रता स्त्रियों का संग करने लग जाए तो उसके उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी, वो पतिव्रता हो जाएगी। अब पतिव्रता भी कुलटाओं के बीच में बैठने लग जाए तो वो कुलटा हो जाएगी। ठीक यही बात है, जिनकी वृत्ति भगवान में लगी हुई है वे सती बुद्धि वाले महापुरुष हैं, उनका संग करना चाहिए। जिनकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उन लोगों का संग महात्मा भी करेगा जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, वो भी यदि देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग करेगा तो थोड़े दिनों बाद उसकी बुद्धि भी व्यवचरित हो जाएगी। इसलिए जितने भक्त हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, वृत्तासुर आदि सब ने एक स्वर से यही प्रार्थना की कि प्रभु विषयासक्त जीवों का कुसंग मत देना, हमें जीवन की अंतिम श्वास तक अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग प्रदान करना। भक्तों के संग से बुद्धि सती हो जाती है, और बुद्धि सती हो गई कि काम बन गया। इसलिए कहते कि हे प्रभु, आप इस दीनहीन तुलसीदास के मन की बात ठीक ठीक समझ लीजिए, क्योंकि आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप जानते ही हैं। हमारी बुद्धि रूपी जो पतिव्रता स्त्री है उसने आप पर भरोसा कर लिया है और आपके साथ प्रेम और नेम का नियम लिया है, और उसकी सुंदर आचरणों में रुचि है। सुंदर आचरण क्या है? सुंदर आचरण है पतिव्रता का, सुंदर आचरण है पति की सेवा। तो आपकी सेवा ही अर्थात आपकी उपासना, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी भक्ति करने का उत्तम नियम हमारी बुद्धि ने ले लिया है। अब देखो, बुद्धि व्रत ले लेगी तो बुद्धि के अधीन मन होता है, मन स्वतंत्र नहीं है, मन पर शासन है बुद्धि का, और मन का शासन है इंद्रियों पर। बुद्धि का शासन है मन पर और मन का शासन है इंद्रियों पर। तो बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा, और मन जब भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियों को फिर प्रेरित नहीं करना पड़ेगा। जहाँ मन होगा वहीं इंद्रियाँ होंगी, तो वहीं हमारी इंद्रियाँ भी चली जाएंगी। तो इस प्रकार से आवश्यक है अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने। आप कहते हैं कि फिर भी संसार में तो हम पैदा हुए ही हैं, और संसार में जब हमने जन्म लिया है
तो संसार में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी संसार में ही रहते हैं और बुरे से बुरे लोग भी संसार में ही रहते हैं। बहुत प्यारी बात है ये, हम सबके जीवन की बात है। कुकृत सुकृत बस सब ही संग पर्यो, कुकृत सुकृत बस सब ही संग पर्यो। हमारे पापों का परिणाम, पूर्वकृत पापों का परिणाम जब हमारे जीवन में भोगने के लिए सामने आता है तो दुष्टों से हमारा संपर्क हो जाता है। मनुष्य दुष्कर्म क्यों करता है, कुकर्म क्यों करता है? बुरे संग को पाकर के ही जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेता, जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेता, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेता। बुरा संग पाकर के, बुरा संग क्यों हुआ? हमारे पाप उदित हुए तो हमको बुरे लोगों का संग मिला। जब हमारे पाप उदित होते हैं तो हमको बुरे लोगों का संग मिलता है, और जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तो हमें अच्छे लोगों का संग मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, पुण्य पुंज बिन मिलही ना संता, पुण्य पुंज के बिना संत मिलते नहीं है। हमारे जब सुकृत जोर देंगे, पुण्य जब प्रबल होंगे तो हमें अच्छे लोगों का संग मिल जाएगा। जब हमारे पाप प्रबल होंगे तो हमको बुरे लोगों का संग मिलेगा। अब पाप की प्रबलता कैसे घटेगी? पाप की प्रबलता घटेगी तो ही अच्छे लोगों का संग मिलेगा। नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से, वैष्णव धर्म को का निष्ठापूर्वक पालन करने से, प्रतिज्ञापूर्वक तिलक लगाओ, तुलसी बांधो, एकादशी का व्रत करो, भगवान की आराधना उपासना करो, यथा समय सनातन धर्म के जो पंच देव हैं उनका पूजन करो, गणपति सूर्य शिव शक्ति और भगवान श्री हरि, इनका सबका आदर करो, इष्ट भाव से भगवान को भजो, ये सब जो हो वर्णाश्रम धर्म का यथासाध्य पालन करो, ये सब जो विधियां हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे पाप नष्ट होवें और हमारे सुकृत बढ़ें, पुण्य बढ़ें। पाप घटेंगे और पुण्य बढ़ेंगे तो अच्छे लोगों का संपर्क हमें प्राप्त होने लग जाएगा। अच्छे लोगों का संपर्क होने पर भी कई बार पाप प्रबल होते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहने वाले लोग भी बुरे लोगों के साथ फंस जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, विधिवश सुजन कुसंगति परे विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, और विधिवश सुजन कुसंगति पर ही फणि मणि सम निज गुण अनुसरही, फणि मणि सम निज गुण अनुसरही। न किसी का दोष है और न किसी का गुण है, सत्संग ही गुण है और कुसंग ही दोष है। एक राजा शिकार खेल जंगल के मार्ग से जा रहा था, यात्रा कर रहा था, शिकार खेलने नहीं जा रहा था, तो एक जगह से उसका रथ निकला तो एक तोता उसके रथ पर मड़राने लगा और वो स्पष्ट गालियां दे रहा था, तोता गंदी गंदी गालियां दे रहा था, गालियां बक रहा था और कहता था लूट लो, खसूट लो, मार डालो, जाने ना पावे,
ऐसे बोला था। राजा ने कहा भैया जल्दी भगो यहाँ से, जहाँ के पक्षी इतने दुष्ट हैं कि गाली दे रहे हैं, लूट लो, मार दो, खसूट दो, ऐसा कह रहे हैं, वहाँ के लोग तो बड़े दुष्ट होंगे, ये क्षेत्र ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। आगे आगे बढ़ा तो एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा, पर्णकुटी थी। तो मन में सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लें, रथ को रोक दिया, घोड़े भी विश्राम कर लेंगे, घोड़े खोल दिए और एक वृक्ष के नीचे आकर राजा बैठ गया। महात्मा वहाँ नहीं थे, महात्मा जंगल में कंदमूल फल लेने की इच्छा से गए थे। एक तोता आकर के डाली पर बैठा था, उसने कहा आइए राजन, आपका स्वागत है। पूज्य महर्षि कंदमूल फल समिधा आदि लेने के लिए वन में गए हुए हैं, वे आते ही होंगे, तब तक आप शांत चित्त होकर के राम नाम का जप कीजिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महान ऋषि के आश्रम में आपको थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला, निर्भय निश्चिंत होकर नाम जपिए। मैं पक्षी हूँ, स्वयं मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपका स्वागत सत्कार कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है, मैं इन महर्षि के आश्रम में निवास करता हूं, इसलिए अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। आपको प्यास लगी हो तो सुंदर जल रखा है, आप जल पी लीजिए, माने मैं भर के दे नहीं सकता, कहाँ से भर के दूंगा, और भूख लगी हो तो कुछ कंदमूल फल रखे हैं उनको खा लीजिए। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, कह रहे इतना मीठा तो मनुष्य भी नहीं बोलता जितना मीठा ये बोला, बहुत विवेकी तोता है। तो राजा मन में सोच रहा था तो उस तोते ने कहा क्या सोच रहे हैं राजन आप, संतों की सन्निधि से मुझे सब कुछ का ज्ञान हो चुका है, आपके मन में क्या चल रहा है इसको मैं समझ रहा हूँ, आप यही ना सोच रहे हैं कि रास्ते में तो एक तोता मिला था, बड़ा दुष्ट था, गालियाँ बक रहा था, लूट लो, खसूट लो, मार डालो, जाने ना पाए, ऐसा कह रहा था, तो यहाँ एक तुम भी तोता ही हो, कितना मीठा बोल, यही सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक यही सोच रहा हूँ। तो राजन आप आश्चर्य न करें, जिसने आपको गालियां बकी न तो उसका दोष है, और मैंने आपका मीठी वाणी में सत्कार किया न मेरा गुण है, जो तुम्हें मिला था वो खास मेरा माँ जाया भाई है, हमारा उसका जन्म एक ही शुकी के गर्भ से अंडे के रूप में हुआ था, दोनों साथ ही साथ पैदा भी हुए, घोंसले में रहते थे, खोहड़ में रहते थे, मेरी माँ हमको उड़ना सिखा रही थी, हम दोनों उड़ना सीख रहे थे, उसी समय भयंकर तूफान आया, उस तूफान के झोंके में हम उड़ गए, यह तो जाकर के कोल भील डकैत चोर जो जंगल में थे उनके छप्पर पे गिर गया घायल होकर के, और मैं घायल अवस्था में इस महर्षि के कुटिया पर गिरा, महर्षि ने मेरी चिकित्सा की और मेरी प्राण रक्षा की, मेरा भरण पोषण किया। तो अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, वो तोता कहता है मैं यहाँ रहता हूँ तो इनके यहाँ संत महात्मा आते जाते रहते हैं, कथा कीर्तन सत्संग होता है, मैं नियम से सुनता हूँ, तो सुनते सुनते सत्संग से मुझे ज्ञान हो गया। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैं तो मुनियों की वाणी सुनता हूँ, और वो बेचारा पाप है उसका पूर्व जन्म का, पाप के परिणाम स्वरूप वो कुसंग में पड़ गया, वो शराबी कबाबी लोग बस लूट लो, खसूट लो, मार डालो, यही सब भाषाएं उनमें होती हैं, और गंदी भद्दी गालियाँ आपस में बकते हैं, वही बेचारा वही उन्हीं की सुनता है, तो कुसंग का प्रभाव उसके ऊपर है और सत्संग का प्रभाव मेरे ऊपर, ये कुसंग सत, इसलिए मनुष्य को सदा कुसंग से बचना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में इसलिए लिखा है
दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्या, सब प्रकार के कुसंग का दुस्संग का त्याग कर देना चाहिए। तो हे भगवान, मैं पाप और पुण्य के अधीन हो करके अच्छे बुरे सब प्रकार के लोगों के साथ रहा, पाप की प्रबलता हुई तो बुरे लोग मिल गए, पुण्य की प्रबलता हुई तो अच्छे लोग मिल गए, अच्छों के साथ भी रहना पड़ा और बुरे से बुरों के साथ भी रहना पड़ा। और इसको भी मैं अपनी कृपा ही, आपकी कृपा ही समझता हूँ। क्यों? बोले इससे एक बात पता चल गई, परखी पराई गति आपने हु की। पाप पुण्य के अधीन होकर कुसंग सत्संग जो हमको मिला, उससे हमारी एक बात समझ में आ गई कि अपना कौन है और पराया कौन है, ये हमारी बुद्धि की समझ में आ गया। अपना कौन है और पराया कौन है? हरि गुरु संत ही हमारे अपने हैं, हरि गुरु संत ही हमारे अपने हैं और इनके अतिरिक्त जो भी हैं सब पराए। सत्पुरुष साधु पुरुष ही हमारे अपने हैं, दुष्ट पुरुष हमारे अपने नहीं हैं, वो पराए हैं, क्योंकि वो हमें निरंतर पतन की ओर ले जाने वाले हैं और अच्छे पुरुष निरंतर हमें भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। तो अपना कौन है? जो हमें कल्याण के पथ पर अग्रसर करे वो हमारा अपना, और जो हमें पतन की ओर ले जाए वो हमारा अपना नहीं हो सकता, तो पराया है, विरोधी है। तो अब जब समझ में आ जाए कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा अनहितैषी कौन है, ये बात समझ में आ जाए तो किसका संग करेगा फिर? जिससे हमारा अहित हो रहा उसका संग नहीं करेगा। तजो मन हरि विमुखन को संग, फिर दुष्ट संग नहीं करेगा। बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक में रहना अच्छा है पर दुष्ट के संग में रहना अच्छा नहीं, दुष्ट संग जन देई विधाता। और अब हमने निष्ठा पूर्वक साधु संग करना आरंभ कर दिया है, हरि भक्तों का संग करना हमने आरंभ कर दिया है और अब कुसंग का सर्वथा त्याग कर दिया, कि मेरी बुद्धि में निर्णय हो गया कि अपना कौन है और पराय। श्री हरि गुरु संत ही अपने हैं और सब पराये हैं, ये बात समझ में आ गई है। और भगवान, मेरे भले को गुसाई पोच को न सोच संक, हो हूँ किए कहूँ सो हूँ सांची सिय पिय की। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। अब हम निश्चिंत हो गए, ना अपनी बुराई की हमें चिंता है, ना अपनी भलाई का न बुराई की चिंता है, न भलाई का डर है। क्यों? आपकी शरण होने के बाद भी अपने बुरे भले की चिंता हमें रह जाए तो इसका मतलब तो ये है कि हमने ईमानदारी से आपकी शरणागति स्वीकार ही नहीं की, हम आपके हो गए, अब आप जो चाहो सो करो। इसलिए शरणागत को हमारा क्या होगा इसकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, शरणागत को जैसे अपना कालक्षेप करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, शरणागत को जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से हम रहें, बाकी सब बात ठाकुर जी पर छोड़ दें, बाकी सारी बात भगवान पर छोड़ दें, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे।
इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर कर दिया है। होहूँ किए कहो सौ साँची सीए पिए की, सीए पिए की सौ, सौ माने सौगंध, श्री जानकी नाथ भगवान की शपथ खाकर, सच्ची शपथ खाने, बोले आप शपथ क्यों खाते हो, शपथ खाना तो ठीक नहीं है, बोले कोई बात नहीं, सच्ची शपथ खा रहे हैं, झूठी शपथ नहीं, सच्ची शपथ खा करके मैं कहता हूँ, सच सच कह रहा हूँ शपथ खा करके कि मेरे जीवन सर्वस्व तो आप ही हैं, हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब बुरा हो या भला हो आप जानो, हमें इसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि बनावटी बात आपके सामने चलने वाली है नहीं, आप सबके बाहर भीतर की जानते हैं, इसलिए हम कहने का आशय यह है कि एकदम शपथ भी बनावटी कर रहे हो तो भी आपसे छिपने वाली नहीं है, हम सच्ची सौगंध खा करके कह रहे हैं कि मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व एकमात्र आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। ज्ञान हु गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी, यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओही की, आप हमारे ज्ञान के भी स्वामी हैं और हमारी गिरा माने हमारी वाणी के भी स्वामी हैं, दोनों के आप स्वामी हैं, बाहर का भी आपसे छिपा हुआ नहीं है और भीतर की भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है, तो आपके सामने ऐसा चल नहीं सकता कि हमारे हृदय में कुछ और हो और मुख में कुछ और हो, संसार के सामने तो चल जाएगा, हृदय की बात लोग हृदय में छिपा के रखते हैं, मुंह से बनावटी बात बोल देते हैं, लेकिन आपसे तो ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि आप बाहर भीतर की जानने वाले हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा तो ठीक है, इतना भूमिका क्यों बना रहे हो, अब जब छिपेगी ही नहीं सब कुछ बात जानते तो कह दो बिना संकोच के, यहाँ कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, राखी कहो हो तो जो पे वे हो माखी घी की। कि नाथ सच्ची बात यह है कि तुलसी तिहारो, तुलसीदास तो तुम्हारा है, जैसा भी हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, अच्छा हूँ, पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा विद्वान मूर्ख ऊंच नीच, जैसा भी हूँ आपका हूँ, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, हमारा हित भी आपके किए ही हमारा हित होगा और किसी के द्वारा हमारा हित हमारा परम कल्याण नहीं होगा, हमारा परम हित परम कल्याण यदि किसी के द्वारा होगा तो वह एकमात्र आपके ही द्वारा होगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।